नमस्कार दोस्तों, एंड स्वागत है मेरे चैनल फर्स्ट इन्वेस्टमेंट पे। दोस्तों बात करेंगे कि आजकल कौन से स्टॉक्स पे ट्रेड कर सकते हैं, यानी कि मंडे को 8th of February को हम कौन से स्टॉक्स पे ट्रेड कर सकते हैं एंड निफ्टी बैंक निफ्टी का सिनेरियो क्या रह सकता है। तो जिस तरीके से हम लोगों ने देखा था कि निफ्टी बैंक निफ्टी में हमें एक डिप देखने को मिली थी, क्या इस लेवल से एक फॉल दोबारा आ सकता है या बाइंग जनरेट हो सकती है, इसके बारे में बात करेंगे। एंड स्टॉक्स पे कुछ स्टॉक्स मैंने आज सेलिंग के लिए भी दे रखे हैं, कुछ स्टॉक्स बाइंग के लिए भी दे रखे हैं। अगर मार्केट नीचे गिरती है तो आप उन सेलिंग स्टॉक्स को प्रेफर कर सकते हैं, अगर मार्केट ऊपर बढ़ती है तो आप उन बाइंग स्टॉक्स को प्रेफर कर सकते हैं। ओके, सो इस तरीके से हम लोगों ने स्टार्ट करा है। प्लस एक वीडियो मैंने और अपलोड करी है थोड़े टाइम पहले ही, और उस पर मैंने चार्ट ऑफ द वीक बताया है कोई स्टॉक जो आप लोग जाके देख सकते हैं। बहुत बढ़िया न्यूज़ आई उस सेक्टर पे, एंड आई थिंक कि वो पर्टिकुलर स्टॉक बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखा सकता है। उस चार्ट ऑफ द वीक को देख सकते हैं। आई थिंक अगर आप 6 महीने उसे होल्ड करते हैं तो आपको 60% तक का भी रिटर्न वो स्टॉक दे सकता है। ठीक है, अपनी एनालिसिस स्टार्ट करते हैं इस वीडियो में। आर फर्स्ट स्टॉक इज श्रीराम ट्रांसपोर्ट। श्रीराम ट्रांसपोर्ट में मैं बाय करने की सलाह नहीं दे रहा, सेल करने की सलाह दे रहा हूं। जैसे कि आप यहां देख सकते हैं, पर्टिकुलर स्टॉक इज इन अप ट्रेंड। ठीक है, स्टॉक इज मेकिंग हायर हाइज एंड हायर लोस। आप देख सकते हैं स्टॉक ऊपर गया, एक रिट्रेसमेंट लिया, उसके बाद इसने अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक करा, ऊपर गया स्टॉक, एक फिर अप मूव के बाद उसने फिर रिट्रेसमेंट लिया, रिट्रेसमेंट से इस प्राइस से अप मूव आई है। और ये प्राइस कहां पर सपोर्ट लिया, जो पहले इसका रेजिस्टेंस हुआ करता था, ये रेजिस्टेंस हुआ करता था, ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद एग्जैक्ट इधर सपोर्ट एंड इट स्टार्टेड टू मूव अगेन। अब ऊपर जाने के बाद दोबारा हम लोग देख रहे हैं कि दो रेड कैंडल्स बन चुकी हैं एंड अब यहां से दोबारा एक फॉलिंग सिनेरियो जनरेट हो रहा है। तो यस, यहां पर भी हम लोग शॉर्ट कर सकते हैं। राइट नाउ दिस पर्टिकुलर स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 1384। अगर ये 1379 के नीचे जाता है यू कैन गो फॉर अ शॉर्ट, एंड आई थिंक आप लोगों को 10 to 20 points और 20 points से फर्दर भी points मिल सकते हैं, बट आप लोगों को 1379 के नीचे ही शॉर्ट करना है। अगर ऊपर खुल जाता है तो हमें ट्रेड नहीं करना। ठीक है, सो माय टारगेट इज दिस, जो कि मुझे लगता है कि 1300 का टारगेट है। लेट मी टेल यू दैट इज 1315 से लेके 1300 तक के मेरे जो रेंज बनी हुई है, इस रेंज तक पर्टिकुलर स्टॉक आ सकता है आई थिंक। और यहां पर मैं एक फ्रेश बाय पोजीशन इनिशिएट करूंगा फॉर अ टारगेट ऑफ 1500 प्लस। सो आई थिंक अगर ये स्टॉक आप लोगों को इस लेवल में मिलता है और यहां से एक रिवर्सल कैंडल दिखती है, यू कैन गो फॉर अ बाय ऑल्सो, बट अभी के लिए ये शॉर्ट है। नेक्स्ट स्टॉक इज सीईएससी भी शॉर्ट है, एंड आई थिंक ये एक रेंज के अंदर ऑलरेडी काम कर रहा है। आप रेंज के ट्रेंड लाइंस देख सकते हैं। आप देखिएगा एक अराउंड 750 से एक शार्प फॉल आया, उसके बाद एक पुल बैक देने की कोशिश करी एंड पुल बैक पे कामयाब नहीं हुआ, दोबारा वो नीचे आ रहा है। सो आई थिंक यहां पर हम लोग एक शॉर्ट पोजिशन इनिशिएट करके चल सकते हैं अगर ये इस लेवल को ब्रेक करता है। ठीक है, मतलब यहां पर अभी ये डबल बॉटम टाइप सिनेरियो बना रहा है, बट कोई बात नहीं। अभी राइट नाउ दिस पर्टिकुलर स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 609, बट अगर ये 607 के नीचे जाता है वी कैन गो फॉर अ शॉर्ट, एंड आई थिंक आप लोगों को ये अच्छे टारगेट्स दे सकता है। ठीक है, आई थिंक 601 और उससे भी नीचे जा सकता है, तो स्टॉक को भी वॉच कर सकते हैं, बट 607 के नीचे जाए तभी आप शॉर्ट पे ट्रेड इनिशिएट करेगा। ओके, नेक्स्ट स्टॉक इज डॉक्टर रेडी। ये डॉक्टर रेडी वाला स्टॉक मैंने आप लोगों को पिछले 2 दिन से बता रहा हूं, एंड मैं आप लोगों को एक बार और दिखा देता हूं। यस, आप देख सकते हैं कि इस पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर हम लोगों ने एक बैट पैटर्न देखा था, एंड बैट पैटर्न पे जब ये रिवर्सल कैंडल थी मैंने आप लोगों को बोला था यू कैन गो फॉर अ बाय, एंड एग्जैक्ट इस लेवल से ऑलमोस्ट 400 पॉइंट्स की मूवमेंट ये दिखा चुका है। आई एम स्टिल होल्डिंग, और एक बहुत बढ़िया ब्रेकआउट लेवल से ये दे चुका है। यहां पर मैं आपको दिखाता हूं, देखिएगा ये एक सपोर्ट का काम कर रहा था। ठीक है, ये पहले इसके लिए रेजिस्टेंस हुआ करता था, ये जो जोन है ये जोन पहले इसके लिए रेजिस्टेंस हुआ करता था, जब ब्रेकआउट दिया दैट ब्रेकआउट बिकम इट्स सपोर्ट। अब सपोर्ट को इसने ब्रेक डाउन दिया, ब्रेक डाउन देने के बाद जो ये वाली कैंडल है यहां पर हमने देखा विक बनी, उसके बाद नीचे आया एंड रिकवर करके स्टॉक ने इस जोन के ऊपर क्लोजिंग दी है। सो यस, यहां पर हम लोग बाय इनिशिएट कर सकते हैं। अभी राइट नाउ दिस पर्टिकुलर स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 4800। अगर ये इसके ऊपर निकलता है दैट इज 4807-4808 के ऊपर निकलता है, हम लोग एक बाय इनिशिएट करके चल सकते हैं। आई थिंक जो मेरे टारगेट्स हैं, जिस टारगेट्स के लिए मैंने होल्ड कर रखा है दैट इज 4900 से लेके 5000 तक का। मैंने यहां पर कुछ पोजिशन एग्जिट कर दी थी फ्राइडे को, मतलब कुछ क्वांटिटीज एग्जिट कर दी थी, बट आई एम स्टिल होल्डिंग इन दिस पर्टिकुलर स्टॉक। ओके, नेक्स्ट स्टॉक इज ब्लू स्टार।
ये वाला स्टॉक भी मैं आप लोगों को बता चुका हूं, 3 दिन से बता रहा हूं, अब इसने मूवमेंट दिया तो हम लोगों ने सोचा एक बाय इनिशिएट कर ही लेते हैं। देख सकते हैं ब्लू स्टार पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर हम लोगों ने एक अपमूव देखी। अपमूव देखने के बाद व्हाट वी सीन कि यहां पर एक रेंज के अंदर ये काम कर रहा था, ठीक है। रेंज के अंदर काम करने के बाद आपने देखा कि एक ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद व्हाट वी सीन यहां पर ये इस पर्टिकुलर लेवल के ऊपर क्लोजिंग दी, ठीक है। यहां पर इसने क्लोजिंग दी एंड यहां पर अपने इसने एक बहुत अच्छी मूवमेंट दे दी है। तो यस, यहां पर हम लोग एक बाय इनिशिएट कर सकते हैं इस पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर। राइट नाउ दिस पर्टिकुलर स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 815, अगर 818 के ऊपर जाता है तब हम लोग एक बाय इनिशिएट कर सकते हैं, बिकॉज ये इस पर्टिकुलर लेवल के ऊपर भी निकल जाएगा, दैट इज इट्स प्रीवियस स्विंग हाई, ठीक है। तो इस पर भी हम लोग एक बाय इनिशिएट करके चल सकते हैं। अ लास्ट स्टॉक इज फॉर सेलिंग इज मारुति। मारुति पे भी मैं शॉर्ट करने की सलाह दे रहा हूँ आप लोगों को। एंड अगर मैं आपको देखिए, अभी तो मल्टीपल चार्ट्स बने हुए हैं तो आप लोगों को क्लियरली समझ में नहीं आएगा, बट एक चीज देखिएगा, इस प्राइस से एक मोमेंटम आया, स्टॉक इस प्राइस से फॉल करा, रिट्रेसमेंट करा, तो मतलब ये रेजिस्टेंस है। फिर ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद दोबारा इसी लेवल पे आया, सो दैट रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट। क्लियर हो गया, बहुत आसान बताया। फिर ऊपर गया, डबल टॉप बनाया, दोबारा नीचे आया, जो पहले रेजिस्टेंस था वो सपोर्ट बना, सपोर्ट जब ब्रेक करा तो सपोर्ट ब्रेक करने के बाद वो क्या होगा, वो रेजिस्टेंस बन जाएगा। स्टॉक फॉल करा, फिर ऊपर रिकवरी करी एंड आप देख सकते हैं 1, 2, 3, 4 कैंडल्स यहां पर विक एग्जैक्ट उस रेजिस्टेंस को टेस्ट करती है, उसके बाद नीचे आ जाती है। और कल के दिन हम लोगों ने एक हैवी सेलिंग देखी। सो अगर कल मार्केट वीक होती है तो इस पे आप पर्टिकुलर शॉर्ट इनिशिएट कर सकते हैं। 7800 के नीचे इसने अपनी क्लोजिंग दी है। सो अगर ये 7500 के नीचे अपनी क्लोजिंग दी है इसने, अगर 7490 के नीचे अगर ये निकलता है, सो आई थिंक कि आप लोगों को 7450 या फिर 7420 तक के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। सो इस पर्टिकुलर स्टॉक को भी आप वॉच करके चल सकते हैं। आई थिंक ये दोबारा नीचे इस लेवल्स तक आ सकता है। ओके, सो हम लोगों ने स्टॉक्स के एनालिसिस तो कर लिए, लेट्स गो टू निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। सबसे पहले बैंक निफ्टी के बारे में बात करते हैं। लेट्स ओपन 15 मिनट्स टाइम फ्रेम। या 15 मिनट्स टाइम फ्रेम जब हम लोगों ने ओपन करा, व्हाट वी सीन कि एक अच्छा सा अपमूव देने के बाद इसने एक अपमूव दिया। अपमूव दिया मतलब यहां पर ये प्रीवियस देखा था, ऑलमोस्ट थर्सडे का था मूव। थर्सडे के मूव के बाद हम लोगों ने क्या देखा कि फ्राइडे को एक दोबारा गैप अप खुला और ऊपर गया। तो यानी कि जिन लोगों ने यहां पर इधर साइड सब लोग बाय करके रखे होंगे, उन्हें गैप अप में अच्छा खासा प्रॉफिट मिल रहा होगा। गैप अप पे जो एंटर करे होंगे उन्हें भी बहुत अच्छा प्रॉफिट मिल रहा होगा। तो वहां पर हम लोगों ने देखा कि एक रिट्रेसमेंट हमें देखने को मिला, ठीक है। जब हम लोगों को ये रिट्रेसमेंट देखने को मिला, अब इस लेवल से आपको मैं दिखाता हूं अकॉर्डिंग टू फिबोनाची एक्सटेंशन कि कहां से एक अच्छी बाइंग जनरेट हो सकती है। देखिएगा, राइट नाउ दिस पर्टिकुलर स्टॉक इज ट्रेडिंग एट, जस्ट वेट अ सेकंड, यस दिस पर्टिकुलर स्टॉक इज मेकिंग अ सपोर्ट एट 38.2% रिट्रेसमेंट लेवल। सो अभी ये प्राइस कितने पे चल रहा है, लेट मी शो यू, दैट इज 35753, ठीक है। इस प्राइस पे बैंक निफ्टी की क्लोजिंग है। सो अगर बैंक निफ्टी अपने प्रीवियस लेवल को ब्रेक करती है, दैट इज प्रीवियस लो को, दैट इज 35,600 को, अगर ये 35,600 के नीचे एक 15 मिनट की कैंडल क्लोज करती है, बिकॉज इट ये इसका प्रीवियस लो है ना, इसी से हम लोगों ने लास्ट 15 मिनट्स के अंदर एक बाइंग देखी थी। मैं आपको दोनों सिनेरियो बता रहा हूं, पॉइंट समझेगा, ठीक है। लेट मी जूम दिस पर्टिकुलर चार्ट, या ठीक है, आप ये वाली कैंडल को देखिएगा। इस वाली कैंडल से हम लोगों ने नेक्स्ट कैंडल, जो लास्ट 15 मिनट्स की कैंडल थी मार्केट क्लोज होने से पहले, वहां पर हम लोगों ने ऑलमोस्ट 150 पॉइंट्स तक एक अपमूव देखी है, ठीक है। बट आप देखिएगा, शॉर्ट करने के लिए हमें पहले इस लो को ब्रेक करना पड़ेगा, तभी हम लोग एक शॉर्ट इनिशिएट कर सकते हैं। सो अगर ये 35,600 के नीचे एक 15 मिनट की कैंडल क्लोज होती है, डेफिनेटली यू कैन गो फॉर अ शॉर्ट। एंड आई थिंक जो आपके टारगेट्स होंगे, दैट इज 35,400, जो कि 200 पॉइंट्स और नीचे है, जो कि आपको आराम से मिल सकता है। बट अगर ये इस पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन को ब्रेक करती है, दैट इज दिस पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन को अगर ब्रेक करके और इस रेजिस्टेंस को, ठीक है, ये रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर जाती है, वी कैन ऑल्सो गो फॉर अ बाय। सो दैट इज अगर यहां से 100 रुपए की मूवमेंट देता है अपसाइड में,
35,850 के ऊपर जाता है और 15 मिनट की कैंडल क्लोज करती है, यू कैन गो फॉर अ बाय, और आई थिंक कि अपने प्रीवियस हाईएस्ट तक भी पहुंच सकता है विद इन 2 to 3 days. सो बैंक निफ्टी को वॉच के अंदर रखेगा. मैंने आपको दोनों बाय सेल के टारगेट्स बता दिए हैं बिकॉज ये अभी एग्जैक्ट अपने उसी लेवल पे है जहां पर दोनों साइड से प्रेशर आ सकता है. ठीक है, लेट्स गो टू निफ्टी. निफ्टी पे आप लोगों को मैं दिखाता हूं. या सो निफ्टी राइट नाउ इन 15 मिनट्स टाइम फ्रेम इट्स ट्रेडिंग इन अ रेंज. ठीक है, एक जो प्रीवियस लॉन्ग टर्म एक ट्रेंड लाइन चली हुई आ रही है जिसपे एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न का हम लोगों ने ब्रेकआउट देखा था, तो उस ब्रेकआउट से इसने लेवल ने ब्रेकआउट दिया, अप मूव करी, एक फॉल एंड एक अप मूव एक फॉल. बट आप एक चीज देख रहे होंगे कि अपने प्रीवियस लो को ये ब्रेक नहीं कर रहा है, प्रीवियस हाई को ब्रेक कर रहा है. सो राइट नाउ दिस पर्टिकुलर स्टॉक इज मेकिंग अ पेनेंट पैटर्न. ठीक है, पेनेंट पैटर्न फॉर्म कर रहा है. हाउ? एक अपमूव एक रेंज के अंदर कंसोलिडेट जो कि कन्वर्ज हो रही है लाइंस, एंड अगर इस लेवल से एक ब्रेकआउट आता है तो एक अच्छी बाइंग आ सकती है. सो दैट इज, मैं लेवल्स आपको बता देता हूं. द लेवल्स इज या सो अगर 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे 40,950 के ऊपर ये क्लोज करता है, इस लेवल के ऊपर क्लोज करता है, वी कैन गो फॉर अ बाय. आई थिंक की प्रीवियस हाइज हम लोगों को देखने को मिल सकते हैं एंड और ऊपर भी ये जा सकता है. बट अगर ये इस लेवल को ब्रेक करता है, लेट मी शो यू, या इस लेवल को ब्रेक करता है, तब हम लोग एक शॉट भी इनिशिएट करके चल सकते हैं. और ये लेवल मैं आप लोगों को बता देता हूं, दैट इज 14,819. ठीक है, सो 14,890 के नीचे अगर 15 मिनट्स कैंडल क्लोज करती है तो हम लोग एक शॉट इनिशिएट करके दोबारा जा सकते हैं. सो आप लोगों को पूरा सिनेरियो बता दिया गया, अगर बाइंग साइड आता है तो कौन से स्टॉक्स में बाय करना है, सेल साइड आता है तो कौन से स्टॉक्स को सेल करना है, एंड आप लोगों को अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं कल के ट्रेडिंग सेशन के अंदर. एक इंपॉर्टेंट चीज और गाइस, थोड़े बहुत अपडेट्स ऐसे मुझे मिल जाते हैं कि मैं उसके लिए पर्टिकुलर वीडियो नहीं बना सकता जो कि मैं 30 seconds 1 minute के अंदर कवर कर सकता हूं. सो आप लोग हमारे इंस्टाग्राम चैनल के अंदर ज्वाइन हो सकते हैं, हमें फॉलो कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन पर लिंक है. फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने फ्राइडे को गोल्ड बाय करवा रखा है एंड मैंने खुद बाय करा है, मैंने यूएस मार्केट में गोल्ड को बाय कर रखा है अराउंड $1,800 के आसपास. सो मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है, ऑलमोस्ट $2,400 का मुझे प्रॉफिट हो रहा है. सो आप लोग भी कर सकते हैं, मैं वहां पर आप लोगों को मल्टीपल अपडेट्स प्रोवाइड करवाता हूं थ्रू द वीडियोस. अब हम इंस्टाग्राम एक सेकेंड चैनल भी लेकर चल सकते हैं जहां पर आपको अपडेट्स मिल सकते हैं, वहां पर पर्टिकुलर मैं 2 stocks एक्स्ट्रा भी प्रोवाइड करवाता हूं जो आपके लिए बेनिफिटेड हो सकते हैं. सो मैं मिलता हूं आप लोगों से अगली वीडियो पे. मैं शिवांश बसीन साइनिंग ऑफ.